हाय हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सरस्वती एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बनाने आया हूं, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से और कोविड की इस महामारी के दौरान मैं कुछ दिन से बीमार था और अभी रिकवर होकर दोबारा आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला है और बड़ा अच्छा लग रहा है एक बार फिर से आप लोगों के साथ आकर। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने खिलजी डायनेस्टी शुरू किया था हिस्ट्री में, और खिलजी डायनेस्टी में हम अभी तक पढ़ चुके थे। हम सबसे पहले शासक के बारे में हमने पढ़ा जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के नाम से, और जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने सिर्फ 6 साल शासन किया। इन 6 सालों में उसने हिंदुओं के प्रति बड़ा नरम रवैया अपनाया, और नरम रवैया हम इसलिए भी कह सकते हैं कि जो जलालुद्दीन खिलजी से पहले, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से पहले जितने भी दिल्ली सल्तनत में शासक हुए वो सभी के सभी क्रूर थे। आप बलबन के बारे में बड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि बलबन जो है वो बड़ा क्रूर शासक हुआ है, लेकिन इसका व्यवहार थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा उदार था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में मैंने पढ़ा कि कैमूर्श को ही गद्दी से हटाकर ये गद्दी पर बैठा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और 1290 से लेकर 1296 तक इसने शासन किया। 1296 में इसी का भतीजा, जिसे हम जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के नाम से, जिसका एक्चुअल नेम अली गुरशाश्प था, और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं आज? हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। भाई अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1320, से लेके 1320 तक का इसका शासनकाल माना गया है, 1316 तक, 1316 ईस्वी तक। देखिए, इतिहासकार कहते हैं कि भाई इसकी जो शासन की जो शुरुआत थी, इसके शासन की शुरुआत परोपकार से हुई, लेकिन अंत जो है वो आतंक के साथ हुआ। कैसे? देखिए, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका एक्चुअल नेम या वास्तविक नाम क्या था? अली गुरशाश्प। वास्तविक नाम अली गुरशाश्प। इसका वास्तविक नाम अली गुरशाश्प, इसका वास्तविक नाम था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजा था, और इसके पिता का नाम, शिहाबुद्दीन, इसके पिता का नाम था शिहाबुद्दीन, जो ब्रदर था, भाई था किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, का भाई था। मैंने आपको बताया कि भाई अलाउद्दीन खिलजी जो था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा भी था और इसका दामाद भी था, क्योंकि इसकी पुत्री के साथ इसने विवाह किया था। दूसरा, यह कड़ा क्षेत्र का इक्तेदार हुआ करता था। यह जो इक्तेदार था कड़ा का, कड़ा कहां पर है? आज का कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश।
आज का जो कौशाम्बी है उत्तर प्रदेश में, वहां का ये क्या हुआ करता था, इक्तेदार हुआ करता था। देखिए आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में इक्तेदारी की प्रणाली थी, और जिस भी व्यक्ति को जागीरें प्रदान की जाती थी या जमीनें दी जाती थी उसका उसे इक्तेदार बना दिया जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी भी क्या था, इक्तेदार था। कहाँ का, कड़ा क्षेत्र का, कौशाम्बी जो आजकल कहां पर है, जो उत्तर प्रदेश में। भाई सबसे पहले इसने क्या किया, 1293 में मंगोल आक्रमण को इसने रोका। मंगोल आक्रमण हुआ दिल्ली पर, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण हुआ कितने, कब, 1293 ईस्वी में। 1293 ईस्वी में मंगोल आक्रमण हुआ। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि दो मंगोल आक्रमण हुए, कौन कौन से, एक तो बहराम शाह के शासनकाल में और एक बलबन के शासनकाल में। इसके बाद ये जो था तीसरा, ये तीसरा मंगोल आक्रमण था, ये था थर्ड मंगोल आक्रमण। थर्ड मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ, और इसको रोकने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसको भेजा, अलाउद्दीन। और ये इसका जो मंगोल नेता था वो था हलाकू। मंगोल नेता हलाकू का ग्रैंडसन, मंगोल नेता हलाकू का ग्रैंडसन कौन, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जो था उसे पराजित किया, अब्दुल्ला को पराजित किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। भाई आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए 1293 में मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल को या अब्दुल्ला को किसने पराजित किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ना सिर्फ पराजित किया बल्कि 4000 मंगोल सैनिकों को, 4000 मंगोल सैनिकों को, मंगोल सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, 4000 मंगोल सैनिकों ने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया। भाई 4000 मंगोल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से दिल्ली में रहने की पेशकश की। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा कि ठीक है आप यहां रह सकते हैं, लेकिन आप सबको एक साथ मिलकर 4 के 4 हजार लोगों को इस्लाम कबूल करना होगा। क्या कबूल करना होगा, इस्लाम कबूल करना होगा। भाई 4000 मंगोल सैनिकों को ही इस्लाम कबूल करवाया, और यही 4000 मंगोल सैनिक इस्लाम कबूल करके क्या बन गए, इस्लाम कबूल करके क्या बन गए, नवीन मुसलमान। ये क्या बन गए, नवीन मुसलमान। इन्हीं को इतिहास में नवीन मुसलमान कहा है, और इन्हीं को दिल्ली में बसाया, कहां पर, मुगलपुर में, मुगलपुर। और यही मुगलपुर आज का क्या है, मंगोलपुरी, आधुनिक मंगोलपुरी ही क्या है, मुगलपुर। अब यहां पर बच्चों आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि आपसे पूछा जाए कि नवीन मुसलमान कौन थे, तो मंगोल सैनिक नवीन मुसलमान थे, और यही नवीन मुगल जो मुसलमान थे इन्हें बसाया कहां पर, मुगलपुर में। लेकिन क्वेश्चन में ये बिल्कुल भी आपने ध्यान नहीं जाना चाहिए कि मुगलपुर का संबंध मुगलों से है।
मुगलपुर का संबंध है सल्तनत काल से, दिल्ली सल्तनत से, और दिल्ली सल्तनत में भी फिरोज खिलजी से। फिरोज खिलजी ने ही, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही इनको नवीन मुसलमान बनाया और मुगलपुर में इनको रहने की जगह दी दिल्ली में। और इसी मुगलपुर को आज क्या कहा जाता है, आधुनिक मंगोलपुरी। इज दैट क्लियर? एक बार ध्यान से देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316। एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखें। वास्तविक नाम अली गुरशास्प, पिता का नाम शिहाबुद्दीन, और इसके जो किसके ब्रदर थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के। ये इक्तेदार हुआ करते थे कहाँ के, कड़ा क्षेत्र के, जो आजकल कहाँ पर, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। 1293 में सबसे पहले ही इन्होंने मंगोल आक्रमण का सामना किया, मंगोलॉइड्स का सामना किया, और ना सिर्फ सामना किया बल्कि अब्दुल्ला को पराजित करके 4000 मुसलमानों को नवीन मुसलमान बनाया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है HSSC में, SSC में, ठीक है, अदर्स उसमें, कि बताइए नवीन मुसलमान कौन थे। तो नवीन मुसलमान ये मंगोलॉइड्स थे, ये मंगोल आक्रमणकारी थे जिनको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस्लाम कबूल करवाया और दिल्ली में इनको रहने की जगह दी, जिसे कहा गया क्या, मुगलपुर। मुगलपुर का संबंध मुगलों से नहीं है। मुगलपुर का संबंध किससे नहीं है, मुगलों से नहीं है। मुगलपुर का संबंध है सल्तनत काल के खिलजी वंश से, और खिलजी वंश में ही किससे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से, ठीक है। मंगोलों को पराजित किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन इनको नवीन मुसलमान बनाया किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इसके बाद का जो काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने, कि भाई 1296 ईस्वी में इसने देवगिरी पर आक्रमण किया, और बिना किसे बताए देवगिरी पर आक्रमण किया, शासक आप जानते हैं देवगिरी का, रामचंद्र देव यादव वंश का, इसे पराजित किया। ना सिर्फ पराजित किया बल्कि यहां से बहुत सारी धन संपत्ति लूट कर लाया अलाउद्दीन खिलजी, धन संपत्ति लूट कर लेकर आया, और ना सिर्फ लूट कर लेकर आया बल्कि रामचंद्र देव की पुत्री को भी ये विवाह करके ले आया, और बहुत सारी संपत्ति लाकर ये कहां पहुंच गया, कड़ा पहुंच गया। 1296 में इसने देवगिरी पर आक्रमण किया, रामचंद्र देव वहां का शासक हुआ करता था यादव वंश का, और इसी वंश पर हमला करके इस देवगिरी से ये बहुत सारी धन संपत्ति को लूट कर लेकर आया, और बहुत सारी संपत्ति इसने जमा कर ली कड़ा क्षेत्र में। जब इसने ये काम किया तो ये जानकारी पहुंची किसके पास, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कड़ा क्षेत्र में इसे मिलने पहुंचा। तो इसने धोखे से अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी, और हत्या करके इसने अपने आप को दिल्ली का अगला सुल्तान घोषित कर दिया। तो इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि भाई इसकी शुरुआत जो है वो धोखे से, परोपकार से हुई, लेकिन अंत जो है वो पूरी तरह से आतंक के साथ हुआ, ठीक है। इतिहासकार क्या कह रहे हैं, कि इसकी शुरुआत धोखे से, परोपकार से हुई, परंतु अंत आतंक से हुआ।
भाई इतिहासकार कहते हैं कि इसकी शुरुआत धोखे से परोपकार से हुई, परंतु अंत जो है वो आतंक से हुआ। भाई कैसे, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई इसने अपने चाचा की हत्या करके, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके इसने दिल्ली सल्तनत पर की गद्दी पर ये बैठा। लेकिन शुरुआती दौर में इसने बड़ा नर्म व्यवहार, बड़ा ही उदार व्यवहार इसने सबके साथ किया, बहुत अच्छे अच्छे काम किए इसने, बहुत सारे फायदे जो है वो दिल्ली की जनता को पहुंचाए। और इसीलिए जोधपुर अभिलेख में, जोधपुर के संस्कृत अभिलेख में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जोधपुर के संस्कृत अभिलेख में इसके कार्यों को देवतुल्य बताया। भाई भाई इसने शुरुआत में देवतुल्य बताया, भाई शुरुआती दौर में जो इसने कार्य किए, जो इसने काम किए वो देवतुल्य काम किए, और देवतुल्य काम इसको बताया गया है जोधपुर के संस्कृत अभिलेख में, इसके कार्यों को देवतुल्य अभिलेख, देवतुल्य बताया, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो परोपकार से हुई थी, लेकिन अंत किससे हुआ, पूरी तरह से आतंक के साथ हुआ। तो यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह समझ आ गया होगा, एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे शुरुआत करते हैं। भाई आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में स्थाई, दिल्ली सल्तनत में स्थाई सेना व नकद वेतन की व्यवस्था की। भाई ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने विशालतम स्थाई सेना रखी और उसको नकद वेतन दिया। ये पहली बार था कि कोई शासक दिल्ली सल्तनत का जिसने स्थाई सेना रखी और उसको नकद वेतन देने का कार्य भी इसी ने किया। ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने साम्राज्य का विस्तार सुदूर दक्षिण तक किया, भाई मैं आपको बता दूं कि ये अलाउद्दीन खिलजी ही एक ऐसा शासक था जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर सानी का अर्थ होता है दूसरा सिकंदर, और दूसरा सिकंदर इसलिए कहा क्योंकि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार सुदूर दक्षिण तक, समुद्र तट तक किया, और समुद्र पर जाकर पृथ्वी जो समाप्त हो जाती है। सेम उसी तरह से जैसे एक ही दिशा में एक शासक जब साम्राज्य विस्तार करता हो जाता है और वो सभी को पराजित करके सभी अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, तो वहाँ तक जहाँ तक जमीन जो है समाप्त हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें सिकंदर की, तो सिकंदर जब व्यास नदी के किनारे पहुँचा, तो वहाँ झेलम नदी के किनारे पहुँचा, तो वहाँ जाकर उसे लगा कि अब पृथ्वी समाप्त हो गई है, यहाँ तक उसने दुनिया को जीत लिया। और इसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने भी समुद्र तट तक जाकर साम्राज्य विस्तार किया। इसीलिए इसने क्या, कौन सी उपाधि धारण की, इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की।
भाई पहला ऐसा शासक, देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताइए जोधपुर के संस्कृत अभिलेख में, जोधपुर के संस्कृत अभिलेख में किस शासक के कार्यों को देवतुल्य बताया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी। मंगोलों को पराजित करने वाला शासक कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नकद वेतन और स्थायी सेना की व्यवस्था करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी। पहला मुस्लिम शासक जिसने दक्षिण तक अपना राज्य विस्तार किया। सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। किसी खलीफा यानी खलीफाओं के नियमों को भी नहीं मानता था ये, खलीफाओं के अधिकारों को नहीं मानता था, ना मानने वाला। ना मानने वाला सुल्तान भाई, ये पहला सुल्तान था जिसने खलीफाओं के अधिकारों को भी नहीं माना था। अभी तक अगर आप देखेंगे इल्तुतमिश हो, बलबन हो, या जितने भी अभी तक शासक हुए थे, सभी के सभी शासक खलीफाओं के अधिकारों को मानते थे और खलीफाओं से ही उपाधि धारण किया करते थे। लेकिन ये एक ऐसा शासक था जिसने खलीफाओं के अधिकारों को मानने से मना कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछे भाई, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। और किसके अधिकारों को नहीं मानता था? खलीफाओं के अधिकारों को नहीं मानता था भाई। अलाउद्दीन खिलजी से ही जुड़ा हुआ एक सबसे बेहतरीन व्यक्ति जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, अमीर खुसरो के नाम से। भाई काफ़ी चीज़ें जो है अमीर खुसरो से पूछी जाती हैं। भाई अमीर खुसरो जो है दरबारी था, दरबारी कवि भी था, ठीक है, एक विद्वान भी था, और बताया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा सुल्तानों के संरक्षण प्राप्त था किसको? अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो के बारे में हम यहाँ पर कुछ पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार हाँ इनके बारे में पढ़ते हैं, अमीर खुसरो के बारे में। यहाँ तक आप अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद हम इसके आर्मी मिशंस के बारे में बात करेंगे, उत्तर भारत के भी और दक्षिण भारत के भी, और इसकी बाजार विनियम की जो प्रणाली थी उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे जस्ट पहले हम थोड़ा सा एक पोर्शन कर लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में। तो ये आपने एक बार उतार लिया होगा, एक बार ध्यान से देखिए और उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई अमीर खुसरो जिसका पूरा नाम था अबुल हसन अमीर खुसरो, अबुल हसन अमीर खुसरो। भाई अबुल हसन अमीर खुसरो को सभी अच्छी तरह से जानते हैं, जिसने सबसे पहली ही बात, सबसे बेहतरीन बात कही किसके बारे में? कश्मीर के बारे में। गर फिरदौस बर रूए जमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त। उसने कहा कि अगर धरती पर कहीं जन्नत है, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है, तो वो यही है, यही है, यही है। गर फिरदौस बर रूए जमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त। अमीर खुसरो के बारे में उसने सबसे पहले कहा कश्मीर के बारे में। तो हम सबसे पहले इसके जन्म की अगर बात करें, तो इसका जन्म हुआ, इसका बर्थ 1245। अगर हम इसके जन्म की बात करें तो जन्म हुआ 1245 ईस्वी के उत्तर प्रदेश के एटा में ही पटियाली गांव में। पटियाली गांव, एटा, उत्तर प्रदेश, और आजकल कहां पर है? काशगंज। इसका बर्थ हुआ और इसकी मृत्यु हुई 1325 ईस्वी। भाई अमीर खुसरो से जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले तबला
एवं सितार का आविष्कारक। भाई तबला और सितार का आविष्कारक, खड़ी बोली का आविष्कारक, खड़ी बोली का जनक, कव्वाली का जनक, इसे कहा गया तोताए हिंद, तोताए हिंद, भारत का तोता, हिंदुस्तान का तोता, अगर हम इसकी बुक की बात करें, पुस्तक इसने लिखी है खमसाए खुसरो, खमसाए खुसरो, इसकी एक पुस्तक थी खमसाए खुसरो। कश्मीर को इसने कहा जन्नत, कश्मीर को जन्नत कहा। उपाधि सुल्तान जहां, इसी ने उपाधि दी अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान जहां। सुल्तान जहां, अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसने अपने करियर की शुरुआत की बलबन से, गयासुद्दीन तुगलक तक। बलबन से लेके गयासुद्दीन तुगलक तक इसने अपने शासन की, अपने संरक्षण की इसने शुरुआत की, करियर की शुरुआत की। तो अगर आपसे अमीर खुसरो से संबंधित कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है HSSC में, SSC में, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम में, तो अब इसके अमीर खुसरो के सभी क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं। इसका पूरा नाम अबुल हसन अमीर खुसरो, जन्म 1245 ईस्वी, कहाँ पर, पटियाली गांव एटा उत्तर प्रदेश में। अगर मृत्यु की बात करें 1325 ईस्वी में, तबला और सितार का आविष्कार किया, खड़ी बोली का आविष्कार किया, कव्वाली का आविष्कार किया, इसे ही तोताए हिंद कहा गया, इसने एक पुस्तक लिखी खमसाए खुसरो के नाम से, कश्मीर को इसने जन्नत कहा और उपाधि इसे इसने दी सुल्ताने जहां की। अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआती संरक्षण दिया किसने, बलबन ने, और बलबन के बाद ये कहां तक रहा, गयासुद्दीन तुगलक तक। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके गुरु हुए निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया, भाई हजरत निजामुद्दीन औलिया इसके गुरु हैं। और इनकी जो कब्र है, अमीर खुसरो की कब्र दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की कब्र के सामने ही अवस्थित है, वहीं पर इसकी कब्र है। कहाँ पर, दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की कब्र के सामने ही अमीर खुसरो की कब्र है। तो प्यारे बच्चों, ये था अमीर खुसरो, जो हमने पढ़ा खिलजी में ही, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इसे पूछे जाते हैं अमीर खुसरो से, और आशा करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर होंगे।
अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में अब अमीर खुसरो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कवर कराए हैं। आप एक बार ध्यान से देखिए इनको, और सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे, चाहे वो उनकी तबला और सितार का आविष्कार, खड़ी बोली का, कव्वाली का, तोता है हिंद किसे कहा है, खमसाए खुसरो एक पुस्तक इन्होंने लिखी है, कश्मीर को कहा है ना बर फिरदोस बर रुए जमी अस्त, अमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त, यानी कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। और बलबन से शुरुआत करके ग्यासुद्दीन तुगलक तक रहा, यानी सबसे ज़्यादा सुल्तानों का संरक्षण अगर किसी ने प्राप्त किया तो वो अमीर खुसरो ने। तो यहाँ तक आपको ये कवर हुआ, अबुल हसन अमीर खुसरो। और इसके बाद हम शुरुआत करते हैं कि भाई हम पढ़ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी में हम इसके कैबिनेट की बात जरूर करते हैं, कैबिनेट से क्वेश्चन आते हैं भाई, इसका जो मंत्रिमंडल था उस मंत्रिमंडल से क्वेश्चन आते हैं, मंत्रिमंडल, इसका मंत्रिमंडल याद रखना भाई, क्योंकि काफ़ी सारे जैसे एस्टेट वगैरह की जो तैयारी करते हैं उस एस्टेट में हिस्ट्री जो सब्जेक्ट जिनके पास है उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप एक बार ध्यान से देखिए इसका जो मंत्रिमंडल, कि इसके मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में किसको क्या क्या कहा जाता है। सबसे पहले दीवाने विजारत, दीवाने विजारत भाई, दीवाने विजारत का सीधा सीधा मतलब था वजीर से या प्रधानमंत्री से, वजीर से या प्रधानमंत्री, जो दीवाने विजारत होता था उसे वजीर कहा जाता था या ये प्रधानमंत्री हुआ करता था। नंबर दो, दीवाने इंसा, दीवाने इंसा, दीवाने इंसा जो होते थे वो होते थे शाही आदेशों का पालन करने वाले, किसका, शाही आदेशों का पालन करता, ठीक है जी। नंबर तीन, दीवाने आरिज, दीवाने आरिज भाई, दीवाने आरिज से अभिप्राय है सैन्य विभाग से, सैन्य अधिकारी या आर्मी चीफ कह सकते हैं, सैन्य अधिकारी ऐसे कहेंगे हम, आर्मी चीफ, आर्मी चीफ, ठीक है जी। इसके बाद दीवाने रसातल, दीवाने रसातल, दीवाने रसालत, दीवाने रसालत, दीवाने रसालत से अभिप्राय है विदेश विभाग का अधिकारी, विदेश विभाग का अधिकारी। तो भाई ये कैबिनेट हुआ करती थी अलाउद्दीन खिलजी की, मंत्रिपरिषद हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का। याद करने का आसान तरीका क्या है, चार डिपार्टमेंट, चार डिपार्टमेंट में सबसे पहला ही डिपार्टमेंट था दीवाने विजारत। दीवाने विजारत का मतलब होता है प्रधानमंत्री या वजीर, वजारत में वजारत से ही हम वजीर को ले आएंगे, वजीर का मतलब ही प्रधानमंत्री। दूसरा दीवाने इंसा भाई, दीवाने इंसा से मतलब क्या जी, शाही, शाह, इंशा से शाही हो गया भाई, शाही आदेश जितने भी होते थे उन सब का पालन करना करवाने वाला जो अधिकारी होता था उसे हमने कहा दीवाने इंसा। दीवाने आरिज की बात करें तो आ से आर्मी, आरिज, आ से आर्मी, आरिज यानी कि सैन्य अधिकारी, और सैन्य अधिकारी में जो चीफ आर्मी ऑफिसर हुआ करता था उसे दीवाने आरिज कहा गया, यानी सैन्य कर्म जितने भी होते थे, सैन्य कार्य जितने भी होते थे उन सभी को यही व्यक्ति आदेश जो है बादशाह से आने के बाद वहां पर पहुंचते थे और ये उनको इम्प्लीमेंट किया था। दीवाने रसातल की बात करें तो रसातल से हम मान सकते हैं कि भाई विदेश विभाग का अधिकारी,
कोई ट्रिक नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देख लीजिए, दीवाने रसालत का मतलब होता था विदेश विभाग का अधिकारी। तो ये थी कैबिनेट, जिस कैबिनेट में प्रमुख अधिकारी जो हुआ करते थे वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इस प्रकार से हुआ करते थे कि मंत्रिमंडल चार, मंत्रिमंडल में चार विशेष व्यक्ति, जिसमें दीवाने वजारत वजीर या प्रधानमंत्री, दीवाने इंसा शाही आदेशों का पालन करता, दीवाने आरिज सैन्य अधिकारी आर्मी चीफ, दीवाने रसालत विदेश विभाग का अधिकारी। तो ये जो थे ये चार सैन्य जो हैं वो करता थे, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार विनियम प्रणाली के तहत बाजारों के कुछ अधिकारी नियुक्त किए थे। वे बाजारों के अधिकारी नियुक्त किए थे, बाजार अधिकारी कौन से थे? मार्केट के कुछ ऑफिसर थे बाजारों, बाजार के अधिकारी, बाजार अधिकारी। बाजार के जो अधिकारी थे उनमें सबसे पहले था शहनाए मंडी। ठीक है जी, सबसे पहले शहनाए मंडी। शहनाए मंडी जो होता था वो होता था अधीक्षक, बाजार अधीक्षक। क्या होता था? बाजार अधीक्षक। ठीक है जी। नंबर दो, शहनाए मंडी जो हुआ करता था वो बाजार अधीक्षक हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद दीवाने रियासत, दीवाने रियासत। ये जो दीवाने रियासत हुआ करता था ये था बाजार कंट्रोलर, मार्केट कंट्रोलर, बाजार नियंत्रक, बाजार नियंत्रक। ठीक है जी। इसके बाद बाजार नियंत्रक, दीवाने रियासत, शहनाए मंडी, बाजार अधीक्षक, सराय अदल, सराय अदल। ये होता था न्याय अधिकारी, न्याय अधिकारी या जस्टिस हुआ करता था, जो बाजार के ही नियमों में न्याय किया करता था। और बरीद मंडी होता था बाजार निरीक्षक, बरीद ए मंडी। बरीद मंडी जो होता था वो होता था बाजार निरीक्षक, इंस्पेक्टर हुआ करता था, मार्केट इंस्पेक्टर। और एक पद था मैनेहान। एक और होता था जिसे कहा जाता था गुप्तचर, बाजार में क्या चल रहा है वो सारी चीजें वो पहुंचाया करता था इन अधिकारियों तक, ये गुप्तचर का एक। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में प्यारे बच्चों बाजार के ये स्पेशल अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार विनियम प्रणाली थी वो सबसे सख्त और क्रूर हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि बाजार के सारे रेट जो है वो निर्धारित हुआ करते थे। अगर कोई रेट से ज्यादा पर सामान बेचेगा, जैसे आज चल रहा है, आज कोविड में चल रहा है कि आप मनमानी चीज़ों को मनमाने दामों पर बेच रहे हो, कालाबाजारी कर रहे हो, लूट खसोट कर रहे हो, ज़्यादा दामों पर चीज़ें बेच रहे हो, तो ये जो प्रणाली है इसको पूरी तरह से पूरे कंट्रोल में अलाउद्दीन खिलजी ने कंट्रोल किया। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि सबसे क्रूरतम बाजार विनियम प्रणाली इसकी रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि भाई इसके शासनकाल में वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किया करते थे ये जो अधिकारी हुआ करते थे। अगर उस मूल्य से ज़्यादा में कोई सामान या वस्तु बेचता है तो उसको दंड दिया जाता था। साथ ही अगर किसी व्यक्ति ने कम तोल दिया,
अगर किसी व्यक्ति ने कम सामान तोल दिया तो उतना ही कम जितना उसने तोला है, कम तोला उतना मांस उसके शरीर से निकाल लिया जाता था। ये क्रूरतम प्रणाली मानी गई है कि कोई भी व्यक्ति बाजार के अंदर किसी प्रकार की भी कोई भी कालाबाजारी ना कर सके। तो ये बाजार की जो सिस्टम था ये इतना सख्त था। और इतिहासकार कहते हैं कि भाई इसके आने के बाद, इसकी विनियम प्रणाली के आने के बाद, इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली आने के बाद जो हिंदुओं का कारोबार था वो बिल्कुल कम हो गया। भाई अब हिंदू जो है वो मजे नहीं कर पा रहे थे, बल्कि इतने गरीब हो गए थे इसके शासनकाल में कि भाई उनके जितनी भी ऐशो आराम थी वो सारा का सारा कम हो गया था, ख़त्म हो गया था एक तरह से। तो इतना सख्त जो था इसका बाजार सिस्टम था। तो इसके बाजार के 4-5 अधिकारी, सहनाई मंडी को इसने कहा बाजार अधीक्षक, दीवाने रियासत बाजार का कंट्रोलर, नियंत्रक सराय अदल जस्टिस या ऑफिसर, बरीदे मंडी बाजार निरीक्षक, मैनहेयान जो होता था एक गुप्तचर हुआ करता था जो पूरे सिस्टम पर नज़र बना कर रखता था, और ना सिर्फ नज़र बना कर रखता था बल्कि पूरी तरह से क्या करता था, पूरी तरह से अस्वस्थ रखता था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को पूरी तरह से सारी जो इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी वो इन अधिकारियों तक पहुंचा दिया करता था। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी का अभी तक का, लेकिन इसके बाद इस शासक के उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के जो अभियान हैं, जो इसके पूरी तरह से जो इसके अभियान रहे हैं, आर्मी मिशन रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक क्रूरतम शासक भी माना गया और साम्राज्य का विस्तार करने वाला शासक भी दिल्ली सल्तनत में रहा है। तो इसी शासक को हमने पढ़ेंगे, इसके उत्तर भारत के मिशन भी, यानी नॉर्थ इंडियन मिशन भी और साउथ इंडियन मिशन भी, और इन मिशन में इसने कहाँ कहाँ कौन कौन से आक्रमण किए और किस किस को पराजित किया, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके उत्तर भारत के अभियानों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दक्षिण भारत के अभियान। भाई इसका नॉर्थ इंडिया मिशन देख लेते हैं एक बार। भाई नॉर्थ इंडिया मिशन या उत्तर भारत के अभियान, भाई अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत में सबसे पहले इसने, मैंने आपको बताया, 1296 में ही देवगिरी पर हमला किया, ठीक है जी। लेकिन अगर हम उत्तर भारत के सबसे पहले शुरुआती मिशन्स की बात करें तो इसका पहला नंबर एक जो इसने मिशन शुरू किया वो था गुजरात मिशन। गुजरात मिशन या गुजरात अभियान, और ये गुजरात अभियान कब शुरू हुआ? 1297 में। भाई 1298 में गुजरात अभियान इसका शुरू हुआ। अगर हम शासक की बात करें तो शासक था राय करण वघेला, शासक राय करण वघेला, और अगर हम खिलजी के सेनापति की बात करें तो खिलजी के सेनापति थे नुसरत खां, नुसरत खां इसके सेनापति था, और ये वही नुसरत खां है भाई जिसने इस गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर को खरीदा था और मलिक काफूर को खरीदा था इसने 1000 दिनार में,
इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। रायकरण वगेला भाग गया था भाई, पराजित कर दिया था पूरी तरह से, रायकरण वगेला यहाँ से भाग गया था। अगर हम दूसरे अभियान की बात करें तो दूसरा अभियान था रणथंभौर का मिशन, रणथंभौर अभियान। भाई रणथंभौर अभियान उत्तर भारत में, इसने 1301 ईस्वी में शासक रणथंभौर का था, राणा हमीर देव, ठीक है। और खिलजी के सेनापति थे, कौन थे? नुसरत खां और उलूग खां, भाई ये भी मिशन सक्सेसफुल, इसमें एक जो है नुसरत खां जो है इसमें मारा गया था और उलूग खान बच गया था और राणा हमीर देव को इसने पराजित कर दिया था। अगर हम तीसरे अभियान की बात करें तो इसका तीसरा अभियान था उत्तर भारत में ही चित्तौड़ अभियान। भाई चित्तौड़ अभियान से सभी बच्चे अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, सभी को पता होगा कि चित्तौड़ अभियान जो है वो हुआ था 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान। अगर शासक की बात करें तो शासक वही था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह जो हैं शासक थे और सेनापति स्वयं अलाउद्दीन खिलजी, और अच्छी तरह से वाकिफ हैं आप सभी किससे? पद्मावती से। भाई पद्मावत जो है वो यहां से निकली है, ये ओरिजिन है चित्तौड़ में। चित्तौड़ में रावल जो है वो शासक हुआ करता था, रावल रतन सिंह, रावल वंश चला करता था और इसी रावल वंश के रावल रतन सिंह की पत्नी हुआ करती थी पद्मावत, और इसी पद्मावत को पाने के लिए चित्तौड़ पर अभियान किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित 6 महीने तक वहां पर डेरा डालकर रखा, लेकिन एटलीस्ट इसको पूरी तरह से पराजित कर दिया और पराजित करके इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। और इसी रावल के बाद जो है वो यहाँ पर सिसोदिया वंश होगा, जिसमें हम महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चित्तौड़ अभियान था। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पद्मावत का लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और किसके शासनकाल में लिखा? इसने लिखा शेर शाह सूरी के शासनकाल में, मलिक मोहम्मद जायसी ने ही पद्मावत को लिखा था। और यहीं पर इसी चित्तौड़ में पहली बार जौहर प्रथा देखी अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके बाद? कहाँ पर? चित्तौड़ अभियान के दौरान। इसके बाद 1305 में मालवा अभियान 1305 ईस्वी। शासक की अगर बात करें तो शासक था महलक देव और खिलजी सेनापति आइनुल मुल्क जो है वो इसका सेनापति था। और इसने भी मालवा को पराजित करके
दिल्ली सल्तनत में मिलाया। इसका जो पांचवा अभियान था 1308 में सिवाना अभियान, ईस्वी में, और छठा था जालोर अभियान। तो माय डियर स्टूडेंट, उत्तर भारत के ये मिशन, उत्तर भारत के ये अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने कंप्लीट किए, और इसके बाद हम दक्षिण भारत के अभियान कंप्लीट करेंगे और अलाउद्दीन खिलजी टॉपिक को अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आप इसे कीजिए अच्छी तरह से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोशिश करते रहेंगे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने की। और उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा, और एक बार इस वीडियो को 2-3 बार चलाकर देखिए, आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।